मेरी मम्मी है, मैं अभी अपने घर पर आई हुई हूँ अपने मायके में। तो मम्मी यहाँ पर कर रही है साग को साफ, इसको छाना बोलते हैं, साग को छा रही है। आज बनाएंगे साग। भाई सुबह ही मंडी गया था तो वहाँ से लेकर आया था इसको। पालक है ये और चुलाई घास है जिसका साग बनता है। तो मम्मी इसी को यहाँ पर साफ कर रही है। अभी थोड़ी देर में इसको साफ कर कर धुल के रख देंगे और उसके बाद में फिर इसको बनाएंगे। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग साग कैसे बनाते हैं। तो देखिए साग को हमने काट लिया है और पानी भी तब तक हमारा पक चुका है। अब इसमें डाल दूंगी ये साग उबलने के लिए। सारा का सारा साग डाल दूंगी इसमें और ये उबल जाएगा थोड़ी ही देर में, क्योंकि आग चूल्हे पर बराबर लगती रहती है। लकड़ी और गुस्से दोनों ही लगा रखे हैं ईंधन के रूप में, तो बहुत अच्छे से आग जल रही है। एकदम से उबल जाएगा साग और उसके बाद में फिर इसको भून लेंगे भूनने से। वो भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे घोटते हैं साग हम हंडी में। तो देखिए साग उबल चुका है, अब इसे को निचोड़ लूंगी ये पानी इसमें निकाल के भिगोने में, और साग साग बचेगा हंडी में उसको फिर घोट लेंगे। इधर आते ही देखते हैं निकल पाया पानी। देखिए पानी इसमें से निकाल दिया है मैंने, उधर भिगोने में करके रख दिया है और ये साग साग बचा है इसमें। देखिए ये मिर्च है, ये भी उबल चुकी है इसी के साथ साथ। तो अब इसको घोट लेंगे इस गमले से। ऐसे करके घोट लेंगे इसको, अच्छे से पिस जाएगा ये। जैसे मिर्ची में पिस जाता है पानी, ऐसे ही पिस जाएगा। और हंडी में साग का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। मिक्सी से भी बहुत अच्छा साग लगता है हंडी में बना हुआ। तो साग देखिए हमारा घुट चुका है, ये देखिए बारीक हो चुका है घुट कर। अब इसमें डाल लेंगे आलन, ये गेहूं के आटे का ही आलन है। अभी तो इसको घोल दिया है मैंने और इसको डाल के इसमें थोड़ा सा वो घुमा लूंगी, इसे अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए साग हमने घोट लिया है, अब हो गई है साग को छोंकने की तैयारी। इसमें लगाएंगे तड़का और ये लिया है साबुत धनिया। इसको ऐसे मसल कर डाल लूंगी इसमें, हाथों से ऐसे रगड़ लूंगी इसे। और कढ़ाई को रख दिया था मैंने, तेल गरम हो चुका है। और इसमें डाल लूंगी ये साबुत मिर्च, इससे इसका साग का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। और ये बारीक बारीक मैंने प्याज भी कटिंग कर ली है, इससे लगाऊंगी इसमें तड़का। सबसे पहले डाल लूंगी इसमें ये लाल मिर्च साबुत। अब डाल दूंगी ये धनिया और ये प्याज। तो देखिए प्याज हमारी भून चुकी है, अब इसमें डाल दूंगी ये साग। तो साग छोंक दिया है, अब इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। अभी डाल दूंगी इसमें नमक और हींग भी डाल दूंगी। हींग से साग का स्वाद बहुत अच्छा होता है और हींग बहुत फायदेमंद होता है, हींग जरूर डालना चाहिए। तो साग छोंक दिया है, बस इसको अब पकने के लिए छोड़ दूंगी ढककर, और तब तक बनाऊंगी आटा, उसके बाद रोटियां बना दूंगी। एक चलती।
साग हमारा बन चुका था, अब रोटी बनानी शुरू कर दी है। जब तक साग पकने के लिए छोड़ा था हमने, तब तक आटा बना लिया था। तो उसके बाद में ये देखिए रोटी बना रहे हैं, साग रोटियां बना देंगे। बाकी का काम खत्म हो चुका है, बस रोटी सीखनी बाकी आ गई है और रोटी भी मैं सेक रही हूँ। इसके बाद में फिर चूल्हे की राख निकाल कर इस पर पोछा लगा के काम हमारा खत्म हो जाएगा दोपहर तक का। तो देखिए रोटी हमने बना ली है, अब ये चूल्हा साफ करूंगी, सबसे पहले निकाल लूंगी ये राख और ये है आग गर्म हो रही है तो इसलिए सबसे पहले इसको रखूंगी इसमें तसले में, ये ठंडी हो जाएगी और उसके बाद डाल दूंगी इसको कट्टे में। तो यहाँ पर हारा नहीं है, वो अभी फूट चुका है और बरसात का मौसम है तो अभी बन भी नहीं पाएगा, तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। तो देखिए राख भी निकाल दी है, अब लगाऊंगी मैं चूल्हे पर पोछा। तो इसी के साथ आज का हमारा रूटीन ये खत्म हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों के साथ में छोटा सा रूटीन शेयर किया है ये था आज दोपहर तक का। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।